मुल्लांपुर के नए स्टेडियम में आईपीएल का आगाज। और सबसे पहले आपको बता दें कि न्यूज 18 ने ही जानकारी दी थी कि नए स्टेडियम में आईपीएल होगा और फाइनली होने जा रहा है। पंजाब किंग्स की तैयारियां जोरों पर हैं, फैंस के लिए शटल जो है ट्राई सिटी में चलेगी, और क्या क्या तैयारियां हैं और इस खास मसले पर बातचीत करेंगे हमारे साथ पंजाब किंग्स के सीईओ सतीश मेनन। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जिक्र कर रहा था कि प्लेयर का काम है ग्राउंड में खेलना, परफॉर्मेंस देना, लेकिन जब तैयारी खासकर आईपीएल की बात करें तो मैनेजमेंट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं देख रहा हूं कि काफी थकावट लग रही है क्योंकि पूरा मैनेज करना। सबसे पहले फैंस के लिए क्या किंग्स पंजाब की टीम लेके आ रही है इस बार? देखो, हमारा पहला पहला ड्यूटी तो यही रहेगा कि हम ग्राउंड और फैसिलिटीज इतनी बढ़िया बनाए कि फैंस को वहां के कोई दिक्कत ना हो। तो हमने सारी मतलब जितनी बैरिकेडिंग करनी थी, जितनी ईज से बैरिकेडिंग करनी थी, वो सारे हम कर चुके हैं। इस बार एंट्रेंस भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मतलब बहुत ही ईज होगा इनको, फैंस को आने जाने में। दूसरा ये कि जैसे आपने जिक्र की थी कि हमने वो शटल सर्विस शुरू की है, क्योंकि थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स पे पड़ता है मुल्लांपुर, तो इस वजह से हमने कोई बसेस भी लगा रखी है। उस बस में हमने फैन के लिए फैन नाम का बस शुरू कर दी है। अच्छा। हाँ, जो कि दोपहर से शुरू हो जाएगी कल। कितनी शटल्स हैं? 5-6 रहेगी ट्राई सिटी के लिए, तो काफी 2-3 जगह से शुरू होगी ये। तो वो ये 3-4 चीज बड़ी बड़ी है, और प्राइसिंग भी हमने ऐसे की है कि सब आ सके, मतलब ऐसा ना हो कि कोई किसी को प्राइस की वजह से नहीं आने के मौका मिले। सतीश जी, जब आप मुल्लांपुर गए थे टीम ने, क्योंकि विजिट भी किया वहां पे, बीसीसीआई की टीम भी वहां पर आई और स्टेडियम बन रहा था, हमने भी काफी रिपोर्टिंग की, पहला आपको देखकर क्या लगा? एक नया स्टेडियम जो बाहर है शहर के, आपने मोहाली आईएस बिंद्रा स्टेडियम में तो पहले होता ही रहा है। देखो, सबसे पहले जो फीलिंग आती है वो ये है, वन ऑफ वास्टनेस की, बहुत बड़ी है। मतलब आई थिंक ये शायद सब स्टेडियम्स में सबसे बड़ी स्टेडियम होने की चांसेस है, ऑलमोस्ट वन ऑफ द बिग। और जो कैपेसिटी इंक्रीज है, उस वजह से हमें बहुत खुशी हुई कि और भी जितने मर्जी लोग आ सकते हैं। पहले ही ये होता था कि काफी लोगों को बाहर रुकना पड़ता था, स्टेडियम के बाहर आते थे, स्टेडियम ओवरफ्लो होता था, वो इस साल नहीं होने की संभावना है। यस, तो वो नहीं होने की संभावना है, यही हमारी फर्स्ट इंप्रेशन तो यही रहा, बिकॉज फर्स्ट थिंग हम यही फैन के बारे में सोचते हैं, स्टेडियम में फैसिलिटीज के बारे में सोचते हैं, उनकी प्राइसिंग के बारे में सोचते हैं, बस सब कुछ फैन के पॉइंट से ही हम सोचते हैं जो कुछ करना है। इसीलिए ये आने जाने का भी जो दिक्कत हो सकता था, उसका भी सोल्यूशन हम ढूंढने की कोशिश की है। अच्छा, आपने बात की जब प्लेयर्स आपके गए, जब शिखर की बात करें, टीम एक नए ग्राउंड में है ना, आप क्योंकि पूरा चेंज है, डिजाइन चेंज है उस स्टेडियम का, तो होता ना कि अडॉप्शन, प्लेयर जितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं स्टेडियम, क्योंकि पिच है, नेट एरिया वो बिल्कुल फ्रंट पे है, बोला कि बी ग्राउंड है उधर, तो नए स्टेडियम को लेकर प्लेयर्स की अडॉप्शन कितनी जल्दी हो गई, क्या फीडबैक रहा? सो जैसे होता है, हर साल हमारी कैंप लगी थी, इस साल जरा एक्स्ट्रा कैंप लगा दिया था। हम पहले कैंप तो बाहर लगाए थे, उसके बाद जब हमें बीसीसीआई ने और पीसीए ने यहाँ के ग्राउंड क्लियर की थी, तो हमने बाहर वाली पिचेस पे हमने प्रैक्टिस भी की है, काफी तैयारी हुई है। आई थिंक इस साल तो सबसे ज्यादा कैंप्स लगी थी, सो उनको कंप्लीट अडेप्टेशन हो गई है ग्राउंड की, लाइट्स के नीचे भी की है, वो लाइट्स आई थिंक सबसे ज्यादा हाँ लुमिनी वाली स्टेडियम रहेगी लाइट्स के लिए। तो हर हिसाब से हमने कोशिश की है कि प्लेयर्स को एक फील हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो, और बाकी तो उस दिन के पिच के ऊपर है, वो तो हम नहीं कह सकते। हमेशा रहता है कि पंजाब की टीम में स्टार हैं काफी, शिखर कप्तानी कर रहे हैं, हर्षल इस बार आए हैं नया, फैंस को हमेशा लगता है कि ऐसी टीम है जो बैलेंस भी होती है, बट खिताब कहते हैं ना, वो ट्रॉफी कब आएगी, वो मैनेजमेंट को भी लगता है और प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, उसको लेकर क्या आप कहना चाहते हैं? देखो, एंड ऑफ द डे ये एक स्पोर्ट है, ये हमको सबसे पहले, हमारा सबसे पहला फर्ज है कि हम पूरी कोशिश करें हमारे फैंस को एंटरटेन करें, हमारे फैंस यही चाहेंगे जैसे हम चाहते हैं कि हम जीते, तो पूरी कोशिश हमारी यही रहेगी। हमारे हिसाब से तो टीम तगड़ी है, जो गैप्स थी लास्ट ईयर हमने कवर अप किए, हर्षल पटेल जिसका नाम लिया, वो एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर आ गया है, सुपर बॉलर है वो, और जो एक हाथ बीच में ओवरसीज से भी अच्छे बैट्समैन हम जो चाहते थे राइली रोज से, वो भी आया हुआ है। सो हमारी तरफ से तो पूरी तैयारी है, और मेरा उम्मीद यही है कि इस साल हम टॉप में आना चाहिए। बिल्कुल।
लास्ट सवाल सतीश, के जब आप एक एज ए फ्रेंचाइजी इतना साल आईपीएल को आपने हो गया, आप बड़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में हो, चेंजेस आपको क्या लगते हैं स्पोर्ट्स में, क्या बदलाव आप स्पोर्ट्स में देखते हो? मतलब क्रिकेट के हिसाब से बोल रहे हो? देखो आईपीएल बहुत बड़े मंच पे आ गए हैं अभी। आईपीएल तो आप कंपेयर करोगे तो वर्ल्ड के सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड हो चुकी है, और इस वजह से एक सारा इकोसिस्टम बन गया है। वेदर इट इज बिजनेस, इसके जो स्प्राउटेड पेरिफ्री बिजनेस होती है वो बिजनेस बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो ये जो बीसीसीआई कर रहा है उससे बहुत फायदा हुआ है। घर घर में बच्चे ये सोचते हैं कि ये मेरे लिए करियर हो सकती है, पढ़ाई के साथ साथ अगर ये क्रिकेट अडॉप्ट करे तो उनको लगता है कि करियर बन सकता है, क्योंकि वो कमाई होती है उसमें। सो आईपीएल हैज ओपनड अप सो मेनी अपॉर्चुनिटीज बिजनेस की तरफ से, एम्प्लॉयमेंट की तरफ से, बच्चों की करियर की तरफ से, तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। एंड आप देखो तो गली गली में, गांव गांव से बच्चे आके आज खेलते हैं, खेल रहे हैं। एक सवाल साथ ही मेरे मुझे और मेरे जहन में आता है कि जैसे अभी बीसीसीआई ने इंक्रीज किया टेस्ट मैच इंसेंटिव, फर्स्ट ऐसा बोर्ड और वर्ल्ड का सबसे बड़ा और फाइनेंशियली पावरफुल बोर्ड, आपको क्या लगता है कि कहीं प्लेयर्स को T20 का इतना, क्योंकि देखिए दुनिया भर में लीग होने लग गई है, ओवरडोज की हम बात करें, अब ये नहीं पता चलता कहां पे है, चाहे वो वेटरन्स की हो, दूसरे हो, फ्रीलांसर एक वर्ड आया, फ्रीलांस वर्ड क्रिकेट में के फ्रीलांस हो रहा है। सो डू यू थिंक के टेस्ट क्रिकेट एक बहुत बड़ा लेवल है, प्लेयर वहां भी चाहिए, कहीं आपको लगता है कि ओवरडोज की वजह से ये 2020 के फॉर्मेट में ही प्लेयर दबके ना रह जाए, ये भी कहीं ना कहीं सवाल होता है कि वो टेस्ट में जा रहा है, वनडे जा रहा है, T20 भी उसने इंडिया के लिए खेलना है? नहीं, हमारे लिए तो बेंच स्ट्रेंथ इतनी बढ़ चुकी है और फनल इतना बढ़ चुका है कि टेस्ट प्लेयर्स बनते रहेगा। आपने अभी इंडिया इंग्लैंड सीरीज में देख ली कि हम कितने खूबी से खेले, सो टेस्ट प्लेयर्स बनती रहेगी। कोई ऐसे होंगे जो जल्दी अडाप्ट कर लेंगे T20 से टेस्ट और टेस्ट से T20, बट वो जो क्रीम होता है जो टेस्ट के लिए अलग से और T20 के लिए अलग से, वो तो उभरते आएगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और इसका तो दिख रहा है, प्रूफ तो दिख रहा है, टीवी पे देखो आप, नंबर्स देखिए टीवी पे, तो ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टेस्ट हो या T20 हो, इसके सबकी अपनी जगह होती है। लास्ट सवाल, पंजाब किंग्स के फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहूंगा कि सपोर्ट करिए और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस साल ट्रॉफी उठाए, ये मेरा पूरी कोशिश है, मतलब हमारे प्लेयर्स की पूरी कोशिश है। हम यही चाहेंगे कि आप आए और स्टेडियम में आके हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट करें, आप हौसला बढ़ाएं, यही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया आपको। तो ये थे सीईओ सतीश मेनन। फैंस के लिए देखिए, ट्राई सिटी में शटल चलेंगी, सपोर्ट कीजिए, शिखर धवन की कप्तानी है, नया स्टेडियम है, नया जोश है, और बाकी तो देखिए परफॉर्मेंस है वो 22 गज की पिच पे दिखेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुखजिंदर के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।